यार आज तो बहुत मजे आ गए है ना, थक भी बहुत गए अब तो। और उसने वो दुपट्टा ना इतना महंगा नहीं लगाया। हाँ ए विशाखा हर तो शॉपिंग करे आई, आज उनके घर में जूत बजवाऊंगी। ए विशाखा रुकियो बेटा, के ले आए हो? हम आंटी करवा चौथ आने वाला है ना, उसी की शॉपिंग करने गए थे। अच्छा मन्ने भी दिखाओ बेटा। ऐसे दिखाए, घर चलो ना चाय पानी पीना और अच्छे से देखना। चलते बेटी आ जाओ। दिखाइए बेटी विशाखा, के ले आई तुम तो? दो थैले ले रही हो। और आंटी करवा चौथ है, अच्छे से शॉपिंग तो करेंगे ना, और ये तो आधी है, अभी तो पूरी करनी बाकी है। हाँ ना बेटा, खूब खर्चा करियो, सुहाग बाग की निशानी है और साल में एक बार आव है। पर एक काम करिए बेटा, उस तो छुपा कर रखियो, कदे उसकी गंदी नजर पड़ जा। सही कह रहे हो आंटी तुम, हम तो छुपा के रखेंगे, दिखाएंगे तक नहीं उसे, सुहाग की निशानी है। मेरा तो पहला करवा चौथ है। हाँ, और क्या बेटा, उसको मैं दिखाइयो। खोल लो बेटा, क्या क्या ले आई हो? और आंटी दिखाऊंगी अपने, ये देखो आंटी कितना महंगा और कितना प्यारा दुपट्टा लेके आई हूँ मैं। ये बेटी यो तो बहुत सुथरा, मारे टाइम मामा तक कती भी ना थे, और यो तो महंगा आया होगा। और नीरा महंगा आया, और करवा चौथ है तो लेंगे ना। तू तो बेटी बहुत सुथरी ले आई, और बहुत सुथरी लग गई मेरी बेटी कती। और उस तो बेटी विधवा तो बचा कर रखी है, कभी उसका साया ना पड़ जाए इस पर। उस विधवा से तो मैं बचा कर रखूंगी। अरे आ गए तुम दोनों? हम तो आ गए, क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुम्हें पता है ना हम बाहर से खरीद के आए होंगे कुछ, और शॉपिंग चल रही है हमारे करवा चौथ की। विशाखा तुनू किस तरह बात करने लग रही है, तेरे तो बड़ी हूँ मैं। तुझे पता है ना हम शॉपिंग करके आए हैं और सुहाग की निशानी लेके आए हैं, करवा चौथ की शॉपिंग चल रही है यहाँ, तेरे मतलब का कुछ नहीं है, आगे यहाँ पे मनुष्य आया लेके। मैं तो इस मारे आई थी कि तुम दोनों तड़किया की गई ओढ़ो, तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? बाहर गए तो खा के नहीं आएंगे, भूखे पेट आ जाएंगे हम, तू तो चाहती ही है कि हम भूखे मर जाए। सारा काला साया घेर दिया हमारी सुहाग की निशानी पे, निकल यहाँ से। देखना आंटी पड़ गया इसका काला साया। और के बेटिया था, थारा पाछा पड़ रही है कत्ती, हाथ दो के थारा के कसूर है इसमें जो उसकी गैल बन गई। कम तो कम तमने तो मौज तो रोज तो रह लेने दे ना, कितने जाके मरती, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा इन पे। कर दिए बेटी, हर छुपा के दर दे अपनी अलमारी में, कदे पीछे तो फिर काट लेना। ठीक है आंटी। ठीक से बेटी, मैं तो चलू। और सुथरी लागोगी दोनों बाण, और उस तभी दुआ ते बिछा कर रखी हो बेटी अपने इसने सुहाग बाग की निशानी ने। चलो दीदी गंगा जल से ठीक कर देते हैं इसको। गंगा जल छिड़क के ठीक ही करना पड़ेगा अब इसे, बदतमीज कहीं की जान पूछ के आई थी, पता है तुझे? इसे पता है हम सामान लेके आए हैं तब भी आ गई, खुद तो खा गई है जेठ जी को, अब हमारे पति को खाने पे लगी है। चलो दीदी। ए बेटी तू तो बहुत दुखी, मने तो देख ली, तू तो नरा काम करी जास है, और वह दोनों महाराणी एसी में बैठी है, बता तू सारा दिन आड़ झाड़ू पोचा करी जा। कोई ना बेटी कर ले, देखेंगी तो लड़ेंगी तेरी गल में, तो जा हूं। कोई बात ना काकी, ये मेरी माड़ी किस्मत थी जो मैं ये भुगतन लग रही हूँ, बस ये मैंने राख रहे हैं मेरे लिए इतना ही काफी। कोई ना बेटी करे जा काम, के तरह हाथ पा टूटा है काम करती के, अर बागाली करया करे काम तो कर ले मेरी बेटी, देखेंगी तो लड़ेंगी। ठीक से मैं जासू। ढंग से काम करना भी नहीं आता, तेरी माँ ने कुछ सिखाया या ना सिखाया? अभी तक मेरी कॉफी नहीं बनाई, आधा घंटा हो गया इस पोछे को यहाँ पे रगड़ते हुए। अभी बना दूंगी थोड़ी देर में, जल्दी बना दे मेरे को। हे राम जी, मैंने कौन से पाप किए थे जो तो मैंने यो थिन दिखान लग रहा है, जब तने मेरा आदमी ठाया मैंने अभी ठा लेता उसकी गैला, मैंने बेरा है इस घर में, मैं क्यों कर दिन काटन लग रही हूँ।
हे राम जी, मने कौन सी तेरी गाय मारी थी जो तू मने यो दिन दिखा रहा है? ये पहाड़ जैसे दिन मैं क्यों कर काटू? जब तने ये ठाए मने अभी ठा लेता, मने बेरा है इस घर में एक एक दिन कितना मुश्किल हो जाए काटना। तू मेरे बाड़ा की दे देता जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लेती, इफ तो वो भी नहीं हो सकता, इब के करूँ मैं? या तो तू मने अपने दोरे बुला ले। अरे भाभी क्या बात होगी, इतने दिन से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान रह रहे हो। अरे भाभी देखो, अब जो होना था वो तो हो गया, हम आपके साथ हैं। कुछ ना देवर जी, मैं तो अपने कर्मा पे रो रही हूँ। अरे भाभी मैं क्या ही बताऊँ, वे तो मेरी सुनती ना, तू एक काम कर, ये ले थोड़े रुपये, अपने इतना कुछ ले आइए। ये पैसे तुम इन्हें क्यों दे रहे हो? अरे थोड़े पैसे दे देने दे, इनका भी मन करता है कुछ सामान लाने का, ये सामान ले आएगी अपने लिए। क्या सामान लाएंगी? लाली लिपस्टिक क्या लाना है इनको? खाने को हम दे ही रहे इनको। अभी इस विधवा को भी पैसों की जरूरत होने लगी, अगर इसको भी जरूरत होने लगी तो हम कहाँ जाएंगे? जब मैं मांगती हूँ तब तो तुम एक मिनट में कह देते हो घर के खर्चे इतने मेरे पास नहीं बचता है, इनको देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? आज दे रहे हो, ये तो मैंने देख लिया, नहीं तो कितनी बार दिए होंगे तुमने पीछे से। जाओ तुम यहाँ से। और ये रोके धोने की दिखाने की ना जरूरत यहाँ पे नहीं आगी समझ में? घर में रोज रोज का ड्रामा मचा रखा है, रोज रोज क्या करें हम घर में? ये तुम्हें पैसे देने लगा तो हम कहां से खर्चा चलाएंगे? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मेरे पति से ना दूर रहकर तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे, ठीक है? आज के बाद उनके पास दिख मत जाइयो। अरे आंटी आप। अरे बेटा ठीक है? हाँ जी, आओ चलो बैठे। बस बेटा चुप, घड़ी घमंड में हो रही हो तुम? थारी आंखें हमको शर्म लियाज है कोने है? अरे इस राम तथा डर लो, मने ये संस्कार दे रखे थरते, थरता बड़ी है या तमने या सास बरोबर रखनी चाहिए प्यार तय, और तुम कर रहे इसका न्यूसरियाम अपमान। अरे यो तो आज मैंने अपनी आंखें देख लिया तो मने बेरा लग गया, तम तो मन के भेद लगन दो है, इतनी बदतमीज होगी तमें, अब इसकी मजबूरी का तब इतना फायदा उठाओगी? अरे क्या मैं शर्मा लो डर लो कि कुछ ही सुपर लेता है, यो गज का ची ले रहा है, पल में किसने किसा टाइम दिखा दे, इसके घर का किसे ना ना बेरा। माँ हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, और दीदी को बिल्कुल हम अपनी सासू माँ जैसे रखेंगे। हाँ बेटा देखे प्यार तर हो गया ना तो इसका भी गुजारा हो जाएगा, और जो इसकी गलिया न्यू इसी तरीके का वैसा वैसी करोगे बेटा, या पहले कष्ट में चुकर जीवन कटेगा इसका, थोड़ा सोच समझ करो बेटा, बढ़िया रहेगा। और ये कार्ड आप दीदी को ही दे दो, दीदी घर की बड़ी हैं। और माँ हम सब आएंगे, दीदी भी आएगी हमारे साथ, और तो हम दीदी को शॉपिंग भी करवा के लाएंगे, नए कपड़े दिलवा के लाएंगे। मना पहले आइया और बाद में तुम। चल जा आप चाय बना लो सबके लिए। ठीक है मैं बना के लाती हूँ।